अगर शरीर के किसी हिस्से में गांठ हो गई हो, चाहे वो बच्चेदानी में हो या चेस्ट में हो या कहीं और, तो शंकर जी के मंदिर में जहाँ से जल निकलता है, जब आप उस जल को अपने हाथ में झेलेंगे लेंगे, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नव शिवाय ओम मंत्र का जाप करेंगे और साथ में एक बेलपत्री शंकर जी पर से उठा लेंगे। उन पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठा लीजिएगा और हाथ पे जिस जल को आप छेलेंगे वह शंकर जी के मंदिर के बाहर ही आपको खड़े होकर पीना है, मणिभद्र का नाम लेकर। मणिभद्र शंकर जी के एक गण का नाम है। तो जब आप उस जल को शंकर जी के मंदिर के बाहर मणिभद्र का नाम लेकर पी जाएंगे और वह जो बेलपत्र है उसको आप खा जाएंगे वहाँ पर खड़े होकर, तो धीरे धीरे जो गांठ है शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे गांठ क्यों ना हो, वो गलना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा प्रतिदिन ना कर सके तो कम से कम हफ्ते में 2 बार अवश्य करें। इनसे धीरे धीरे गांठ गल जाएगी और आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्ते भ्याम।